हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रजनी। लोगों के मुंह से बदबू आना आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। मुंह से बदबू आना, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई सिंपल रीजन भी हो सकता है या फिर कोई गंभीर समस्या भी हो सकती है। इसका जो रीजन है वो ये जो समस्या है वो हमारे मुंह से लेकर के पेट, किडनी, लीवर किसी से भी जुड़ी हो सकती है। तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं कभी कभी इतनी ज़्यादा गंभीर हो जाती हैं कि आप देखेंगे अक्सर लोगों के मुंह से जो है स्मेल आती है। ये जो मुंह से स्मेल आती है लोगों को, वो उसे मेडिकल लैंग्वेज में हम हैलिटोसिस कहते हैं। तो मुंह से बदबू आना ये तो एक कॉमन प्रॉब्लम होती है। जैसे कि हम कभी लहसुन प्याज खाते हैं या फिर बहुत मसाले वाली सब्जी खाते हैं, तो उस टाइप की चीजें खाने से अक्सर हमारे मुंह से स्मेल आती है। तो ये तो एक कॉमन रीजन हो गया, ठीक है। तो उसमें तो हम कुल्ला करेंगे या ब्रश करेंगे, उससे ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हमारे मुंह से लगातार बदबू आती रहती है। तो ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए कभी कभी ये मुंह से रिलेटेड भी हो सकती है प्रॉब्लम, गले से रिलेटेड, फेफड़ों से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, किडनी या लीवर से रिलेटेड भी कोई बीमारी की वजह से आपको ये मुंह से स्मेल आने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मुंह से जो बदबू आती है इसके कौन कौन से कॉमन कारण हैं, और अगर ऐसा है तो फिर इसके लिए आप क्या कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट जानकारी छूट ना जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। मुंह से बदबू आने का एक सबसे कॉमन कारण है वो है पुअर ओरल हाइजीन। इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे जब हम अपने दांतों की, मसूड़ों की और हमारी जीभ की अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे दांतों, मसूड़ों और जीभ के ऊपर बैक्टीरियाज जमा हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे दांतों के अंदर कैविटी लग जाती है या कीड़ा लग जाता है, और उसके बाद उसमें छेद हो जाता है। फिर ये इन्फेक्शन हमारे मसूड़ों तक चला जाता है, जिसकी वजह से उसमें पड़ जाता है पस। और जब पस पड़ जाएगा और लंबे समय का इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारे मुँह से कंटिन्यूस बदबू आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में ये कंडीशन ना आए उसके लिए आपको क्या करना है, 2 टाइम ब्रश करना है, सुबह और रात को सोने से पहले। और ब्रश करने के बाद एक अच्छे फ्लॉस से दांतों के बीच में लगा करके फ्लॉसिंग जरूर करनी है, ताकि दांतों के बीच में अगर कोई खाना का टुकड़ा फंसा रह गया है तो वो भी अच्छे से निकल जाए। और उसके बाद जिस ब्रश से आप ब्रश कर रहे थे उसी से आप अपनी जीभ को भी साफ कर सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मार्केट में बहुत सारे टंग क्लीनर्स मिलते हैं, वो ला करके आप अपनी जीभ को साफ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपके मुंह में ना तो कोई बैक्टीरिया रहेगा और ना ही कोई कैविटी वगैरह होगी, तो इसकी वजह से क्या है ये जो स्मेल आती है वो नहीं आएगी। लेकिन हाँ, इसमें एक ध्यान रखने वाली चीज़ है आपको, जिससे आप ब्रश करते हो सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश ही यूज़ करना है, बहुत हार्ड ब्रश यूज़ नहीं करना है। अगर आप बहुत हार्ड ब्रश यूज़ करेंगे तो ये हमारे मसूड़ों को भी डैमेज करता है और साथ ही साथ दांतों की इनेमल को भी घिस देता है, जिसकी वजह से आगे जाके आपको सेंसिटिविटी होने लग जाती है और दांत हमारे पीले दिखने लग जाते हैं। और साथ ही साथ हर खाने के बाद आपको कुल्ला करना है, जिससे क्या है कि अंदर कुछ भी खाने के टुकड़े फंसे नहीं रहेंगे। कभी कभी हम बाहर होते हैं तो घर में नहीं होते, तो इस वजह से ब्रश नहीं कर पाते, लेकिन जब भी आप कुछ खाएं तो एटलीस्ट कुल्ला तो ज़रूर कर सकते हैं। मुंह से बदबू आने का एक कारण आपके मुंह का सूखना भी हो सकता है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं या फिर आप बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट वगैरह का सेवन करते हैं, तो उसके वजह से हमारा मुंह जो है सूखने लगता है। तो जिससे क्या होता है कि हमारे मुंह में कैविटीज लग जाएंगी, इन्फेक्शन हो जाएगा और उसकी वजह से आपके मुँह से स्मेल आना शुरू हो जाएगा। अब रही बात सलाइवा की, अगर हमारे मुँह में सलाइवा बनता रहेगा, हाइड्रेटेड रहेगा, तो उससे क्या होगा, सलाइवा हमारे मुंह को क्लीन करने में हेल्प करता है, हमारे मसूड़ों को, जीभ को, दांतों को, जिससे क्या है टाइम टू टाइम साफ होता रहता है। और अगर हमारा मुंह ही सूखा रहेगा, सलाइवा पर्याप्त मात्रा में नहीं बनेगा, तो उससे क्या है हमारे ओरल हाइजीन जो है अच्छा नहीं रहेगा, दांतों या मसूड़ों की अच्छे से सफाई नहीं होगी, बैक्टीरियाज वहाँ जमा होते रहेंगे
और उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां लगेंगी और साथ ही साथ मुंह से लगातार बदबू आएगी। तो इसके लिए आपको जो है जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पानी पीना है, और साथ ही साथ अगर आप बीड़ी तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं तो उसे आप बंद कर दीजिए। मुंह से बदबू आने का एक कारण ये भी है कि आपके गले में अगर टॉन्सिल्स बड़े हुए हैं और उनमें लंबे समय का इन्फेक्शन हो गया है, या फिर आपको सर्दी या खांसी हो गई है, ठीक है, या फिर आपके साइनस है, साइनस में इन्फेक्शन चल रहा है, तो उसकी वजह से आपके मुंह से लगातार बदबू आने की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपके मुंह के या गले का अगर कोई कैंसर है तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से लगातार बदबू आती है। तो ऐसे में ज़्यादातर आपको ध्यान रखना है, अगर टॉन्सिल्स वगैरह की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, उसका ट्रीटमेंट करवाइए। और अगर ऐसा है कि आपको लगता है कि आपको गले में कैंसर या कुछ भी ऐसा लग रहा है तो आप जाकर के टेस्ट कराइए और डॉक्टर से उसका ट्रीटमेंट लीजिए। जितनी ज़्यादा देर करेंगे उतना ही ज़्यादा आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी। तो इस चीज़ का ध्यान खासकर जो तंबाकू गुटखा खाते हैं उनको ज़रूर रखना चाहिए। मुंह से बदबू आने का एक कारण यह भी हो सकता है कि अगर आपके लंग्स या फिर फेफड़ों के अंदर कोई लंबे समय का इन्फेक्शन पल रहा है तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से बदबू आती है। वो लंग्स का जो इन्फेक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा मुख्यतः जो है वो टीबी की बीमारी होती है। इसमें क्या है, अगर लंबे समय का ये टीबी की बीमारी हो जाए तो हमारे मुंह से लगातार बदबू आने लग जाती है। साथ ही साथ इनके अलावा जो है निमोनिया या फिर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस की बीमारी अगर लगी हुई है आपको लंबे समय की, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से लगातार बदबू आएगी। तो ऐसे में आपको अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। और अगर ऐसा है कि आपको ये लग रहा है कि लगातार आपको 4 हफ्ते या 5 हफ्ते हो गए हैं आपकी खांसी नहीं बंद हो रही है, तो आप जाकर के हॉस्पिटल में CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट का टेस्ट कराएं। साथ ही साथ अपनी छाती का भी एक्सरे ज़रूर करवाएं, जिससे अगर आपको पता चल जाएगा अगर आपको टीबी की बीमारी है तो आप उसका तुरंत इलाज ले सकते हैं और इससे पूरी तरह से आपकी टीबी ठीक हो जाएगी। मुंह से बदबू आने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आपकी अगर एसिडिटी, इनडाइजेशन या फिर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेट में कब्ज रहती है, खाना ठीक से पचता नहीं है, तो उसकी वजह से भी आपके मुंह से लगातार बदबू आ सकती है। तो इसका बहुत ही सिंपल इलाज है। आपको क्या करना है कि खाना खाने के आधा घंटा पहले आपको बहुत खूब पानी पी सकते हो, 2-3 गिलास जितना पीना है उतना पीजिए, लेकिन जब आप खाना खा लें उसके 1-2 घंटे तक आपको बिल्कुल भी पानी नहीं पीना है। इससे क्या होगा कि हमारे पेट के अंदर जितने भी एंजाइम्स और एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे खाने को अच्छे से पचा देंगे और ये जो कब्ज की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। अगर आपको ऐसा रहता है कि सुबह ठीक से पेट साफ नहीं होता है तो उसके लिए आपको 1 चम्मच आंवले का चूर्ण या फिर त्रिफला चूर्ण आता है वो गुनगुने पानी से सुबह उठते ही लेना है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं आप रात को सोने से पहले अरंडी का तेल या कैस्टर ऑयल जो कहते हैं उसे 1 चम्मच पी करके सो जाइए और सुबह आपका पेट अच्छे से साफ हो जाएगा। जिन लोगों के मुंह से लगातार बदबू आती है, अगर उनको मुंह की या फिर लंग्स की या पेट की कोई बीमारी नहीं है फिर भी बदबू आ रही है, तो उसमें से एक कारण जो है किडनी या लीवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उसके लिए आप किडनी और लीवर फंक्शन का टेस्ट करा सकते हैं, और अगर ऐसी कोई बीमारी है तो आप उसका इलाज कराइए और फिर उसके बाद आपके मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो ये तो थे काफ़ी कारण और उनके इलाज मुंह से बदबू आने के, लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा जो मुख्य है वो है आपका पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप अपने मुंह की अच्छे से सफाई नहीं रखते हैं, टाइम से ब्रश नहीं करते, फ्लॉसिंग नहीं करते, जीभ की सफाई नहीं रखते हैं, तो उसकी वजह से आपको जो है मुंह से बदबू आने की प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन अगर आप अपना ओरल हाइजीन अच्छा रखेंगे तो आपका जो मुंह से तो बदबू आएगी ही नहीं, साथ ही साथ आपका जो बाकी का शरीर है वो भी स्वस्थ रहेगा, क्योंकि हमारे मुंह के अंदर सबसे ज़्यादा बैक्टीरियाज होते हैं। अगर हम उसकी अच्छे से सफाई नहीं करेंगे तो बैक्टीरियाज ज़्यादा पनपेंगे और वो धीरे धीरे हमारे जो है पूरी बॉडी में जाएंगे, जिसकी वजह से हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। तो आपको अपने ओरल हाइजीन को बहुत अच्छे से मेंटेन रखना है, अपने मुंह की अच्छे से सफाई रखनी है।
तो ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आई होप मेरा ये आज का वीडियो आपको बहुत यूजफुल रहेगा। तो जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इसकी पूरी जानकारी मिले। तो ऐसे ही नए नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।